हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। सबसे पहले आज विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन आपको लिए बहुत बहुत बधाई हो। और आज आप विजयादशमी के दिन आप जरूर से ज़रूर अगर मेला देखने जाना चाहते हैं जाइए। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं देख सकते हैं, हमारे ये पलटन जो कि हर पर्व में कोई ना कोई पेड़ लगाते हैं और ये पेड़ लगाने का सिलसिला जारी रखे हैं। और वही सब बच्चे हैं जो पहले आते थे शुरुआत चरण में, अजय, रोहित, ललन मास्टर जो कि हमेशा पेड़ लाते हैं, और इधर पंकज और सुशील और अनिल सर छिप गए हैं, आज बोल रहे हैं कि आज शूट कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनको लीजिए। तो हम आ रहे हैं आपके सामने, दिख रहे हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन ही कहा जाता है कि माँ दुर्गा, नहीं, आज ही के दिन श्री राम जी क्या लंका के राजा रावण को परास्त करके अयोध्या लौटे थे, उस कारण से दशहरा मनाया था। दशहरा मतलब दस जिसका सिर था उसको हर के, और सीता माता के साथ अयोध्या लौटे थे, उसके कारण दशहरा मनाया था। तो आपको बहुत दशहरा के बहुत सारा कहानी है दशहरा के पीछे, दुर्गा पूजा के पीछे तो कहानी बहुत सारा है। बट आप लोग जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग अलग अलग चैनल के माध्यम से आप जान भी सकते हैं और साथ ही साथ गूगल में सर्च करके भी जान सकते हैं। तो आज हम लोग आए हैं पेड़ लगाने के कार्यक्रम में, और आज है हम लोग आज फुटबॉल भी मैच खेले थे जिसमें हम लोग हार गए, और उसमें एक किलो आज बालसाई भी हम लोग हारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है देखिए आम का पेड़ जो हमारे पलटन के द्वारा लगाया जाता है। अब पेड़ लगाया जाए और उसके बाद कुछ हम लोग आज बोलेंगे, बहुत दिन के बाद ही लोग आए। तो देखिए ललन मास्टर पेड़ लगा रहे हैं, और सब सर और स्टूडेंट के द्वारा पेड़ का कार्यक्रम यहाँ पर लगाया जा रहा है। आज विजयादशमी है, हर साल विजयादशमी के अवसर पर विक्रम सर और हमारे ग्रुप के द्वारा, हम लोग के ग्रुप के द्वारा लगाया जाता है। यही सब है वो ग्रुप, समझे कि झकास ग्रुप। उधर से लगा सुशील थोड़ा सा चेहरा। ये आम का पौधा है। हाँ। ये हुआ, और आप भी इस मुहिम में जुड़िए और पेड़ जरूर लगाइए और पेड़ लगाने के लिए प्रेरित कीजिए। अब हाँ, आपके समक्ष पेड़ लगा लेते हैं, उसके बाद फिर बोलेंगे एक एक करके। पंकज, ये सुशील और रोहित बोलेंगे जो हमेशा बोलते भी हैं। और इसका इंटरव्यू वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं, इंटरव्यू वाला वीडियो जरूर देखिए। सुशील का दो इंटरव्यू वीडियो आ चुका है और रोहित का एक इंटरव्यू वीडियो आ चुका है, साथ साथ आनंद का एक इंटरव्यू वीडियो आया है और एक राहुल का इंटरव्यू वीडियो है। तो आप इंटरव्यू वीडियो जरूर देखें और जो भी जॉब लगता है वो जरूर से जरूर विक्रम ट्यूटोरियल में इंटरव्यू जरूर दें। थैंक यू। अब हम सुशील दो चार बोलो, पेड़ लगाना क्यों जरूरी है, पर्यावरण को बचाना। थोड़ा नजदीक से सट के रहिएगा तुम। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। घर अच्छा साउंडली है ना, जैसे कि पता है आज विजयादशमी है, दशहरे का सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी मौके पर आज पेड़ लगाने के लिए हम लोग आए हैं क्योंकि विक्रम सर आज इन्वाइट किए, बहुत अच्छा लगा। और आके यहाँ हम लोग बहुत पहले भी लगाते थे, बहुत अच्छा खुशी मिलता था हम लोग को, इसीलिए आज फिर उसी खुशी को जुगाड़ करते हुए फिर आए हैं आज। और बहुत पेड़ लगा के बहुत अच्छी खुशी मिल रहा है हम लोग को। और इसी सभी से गुजारिश है कि अपने आप जिस जहाँ भी हो, जिस जगह भी रहें, वहाँ अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए थोड़ा बहुत पेड़ लगाते रहना चाहिए, आसपास थोड़ा बहुत हरियाली रखना चाहिए। और क्योंकि आजकल प्रदूषण इतना ज़्यादा हो चुका है कि सांस उस लेने में थोड़ा तकलीफ होती बड़े बड़े शहरों में, इसीलिए थोड़ा बहुत पेड़ लगाना चाहिए अपने आप को, अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। धन्यवाद। चलिए अब रोहित सर से पूछते हैं, क्या पर्यावरण के बारे में दो शब्द बोलिए। नमस्कार सभी को, और आज विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और जैसे कि हर विक्रम सर के द्वारा, विक्रम ट्यूटोरियल चैनल यूट्यूब चैनल के द्वारा हर पर्व त्यौहार में पेड़ लगाया जाता है, जैसे कि हर वीडियो में देखे ही होंगे आप लोग। पेड़ तो लगभग सभी इंसान लगाना चाहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाना चाहता सब कोई। किसी का कोई अपना ज़मीन में लगाना चाहता है, किसी को ज़मीन अपना अभाव होने के कारण, तो अगर दूसरे ज़मीन में अगर लगा भी देते हैं पेड़ तो दूसरा ज़मीन जिसका ज़मीन होता है तो वो चाहता है कि मेरे में ज़मीन पेड़ लगा के ज़मीन कब्जा करना चाहता है, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। और दूसरे ज़मीन में पेड़ लगाया है तो वो आप ही का रहेगा, दूसरे का नहीं रहेगा। और इसी मतलब सभी को यही कहना चाहते हैं, अपने जीवन में सभी अपना अपना अवश्य पेड़ लगाएं। धन्यवाद। चलिए अब विक्रम सर से अथी करते हैं, जो रूप सागर के पर्यावरण के पिता माने जाते हैं। चलिए तो दो शब्द बोलिए। तो ये तो
अनिल सर का बड़प्पन है। चलिए हम बोलना चाहते हैं, रोहित अभी जो बोले बहुत ही फैक्ट बात बोले, यहाँ पे बहुत लोग पेड़, जैसे रोहित भी पेड़ लगाना चाहता, सुशील भी पेड़ लगाना चाहता, पंकज भी पेड़ लगाना चाहता, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आए सब कोई पेड़ लगाना चाहता। एक्चुअली हम लोग के पास जमीन का अभाव है और जमीन के अभाव के कारण हम लोग दूसरे में पेड़ लगाना चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि अगर वो पेड़ लगा देगा तो उसी का जमीन हो जाएगा, या ऐसा सोचता है कि पेड़ लगा देगा बाद में मांगेगा पेड़ का दाम, मांगेगा ये मांगेगा वो करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने जमीन में पेड़ लगाना चाहें तो हमारे स्टूडेंट जो यहाँ पे पेड़ भी आपके लिए खरीद देंगे, आपके लिए खरीद देंगे और आपके पेड़ भी लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनेगा जिसके माध्यम से ये लोग तक संदेश पहुंचेगा कि हम लोग एक पेड़ लगाने का जो मुहिम स्टार्ट की हमारे द्वारा ग्रुप के द्वारा। आज बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे नहीं आए हैं, जैसे आनंद है, पंकज है, बटेश्वर है और भी बहुत सारे स्टूडेंट जो कि इस मुहिम को स्टार्ट किए थे और यहाँ तक ले आए हैं, तो ये लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार कृतज्ञ है कि ये लोग इतना हम लोग के सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सपोर्ट भी करते हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो इस चीज को डिसलाइक करते हैं, लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि ये मुहिम बंद हो जाए, लेकिन हम लोग का ये मुहिम कभी बंद नहीं होगा और भी आने वाले समय में अगर ये लोग का साथ रहा तो ये सिर्फ गांव के साथ साथ हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं वो डेवलप करेंगे और इस मुहिम को देख करके वे भी अपने गांव में पेड़ लगाने का प्रयास करेंगे और भी इस गांव को देख करके और शहर में भी बहुत सारे रोड के किनारे भी पेड़ लगाए जाएंगे। तो इस पेड़ लगाने का कार्यक्रम को जारी रखें और ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि अगर पेड़ लगाना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कहाँ पे आप पेड़ लगाना चाहते हैं, हमारे ग्रुप के लोग वहां से जुड़ेंगे और आपका एक पेड़ आपके पास होगा, आप लगा सकते हैं और आप पर्यावरण को स्वच्छ कर सकते हैं। आज की गर्मी के, आज तो पता नहीं चलता लेकिन गर्मी के दिन में जब आप देखते हैं तो हर जगह आपको पॉल्यूशन मिलता है, हवा और ये आंधी जब आता है तो पूरा गर्दा के साथ आपका धूल, ये सब कौन रोकता है, वो पेड़ रोकता है, यही पेड़ और इसी पेड़ के नीचे हम लोग वहाँ पे आनंद के साथ रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे बच्चे घर में उब जाते हैं, पंखा का हवा में मरने लगता है, एसी का हवा में मरने लगता है, तो पेड़ के पास आना चाहते हैं, वो इंजॉय करना चाहते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो वो समय देखे थे जब हम लोग यहाँ पे, इधर थोड़ा सा नहीं दिखा सकते वीडियो के माध्यम से, बट यहाँ पे भलवाही जो हम लोग यहाँ बोलते हैं वहाँ पे आते थे, पढ़ते थे, अनिल सर, हम लोग जितना भी और भी ग्रुप लोग, अजय भी आया है शायद, सर जी लोग जितना भी है, उधर दिख रहा, रोहित लोग वहाँ पढ़ा करता था उस जगह पे, बहुत सारे सुशील लोग भी बहुत किया है, जितना भी यहाँ पे हमारे ऐसे गांव के हर बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो ऐसा काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मनचले लोग हैं जो इस मुहिम को रोक देना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ के बच्चे बढ़े, बहुत सारे यहाँ गरीब बच्चे हैं जो बढ़ना चाहते हैं बट वो पैसे के अभाव में, साथ ही साथ समय के अभाव में, साथ ही साथ उनका बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो सब माहौल नहीं मिल पाता, तो माहौल को बनाएं, अपने बच्चों को आगे बढ़ने दें। अगर आपके बच्चे अगर नहीं है तो आने वाले आगे आपके बच्चे जरूर होंगे जो शामिल होंगे। तो इतना ही कहना चाहते हैं, वीडियो लंबा नहीं हो, हम लोग आए थे पेड़ लगाने तो कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हैप्पी विजयादशमी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्रुप की ओर से, थैंक यू वेरी मच।